गीता नाम की मूक बधिर लड़की है जो कि ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान में है। मुझे उसके बारे में मालूम चला, इंडिया की रहने वाली है ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया है। बजरंगी भाईजान मूवी आने के बाद काफ़ी ये मैटर उसके बारे में हाईलाइट हुआ है। मैं इसलिए उस गीता की मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इस टाइप की एक पूर्व में शीला नाम की मूक बधिर लड़की को 15 दिन की अथक मेहनत के बाद उत्तरांचल पहुँचाया था, जो कि गलत हाथों में पड़ गई थी। वैसे पुलिस ने मेरी मदद ली थी और मैंने पूरी मदद करके उसको घर पहुँचाया। मुझे लगता है कि यदि मैं पाकिस्तान मुझे बुलाया जाता है, मैं उसकी भाषा को समझ सकता हूँ, उसकी हिस्ट्री को समझ सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसको हिंदुस्तान में किस जगह की रहने वाली है उसको मैं घर पहुंचा सकता हूं। सिर्फ ये है कि सरकार मेरी मदद एज ए रिसोर्स पर्सन ले तो गीता को मैं ज़रूर उसके घर पहुंचा पाऊंगा। तो वहाँ से आने के बाद सबसे पहले यही था कि अपने भाई को सच्ची श्रद्धांजलि देना, तो पहले तो राष्ट्रगान को सांकेतिक भाषा में बनाया जाए और उसको बनाने के बाद उसमें मोनिका जी की और मेरे सारे मूक बधिर साथियों की बहुत मदद रही, इस कारण से वो हम कंपोज कर पाए। और अटल बिहारी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने राष्ट्रीय मान्यता दी और आज हिंदुस्तान के हर मूक बधिर उस राष्ट्रगान को इशारों की भाषा में गा सकता है।